जमशेदपुर के रॉयल हिल्स बार एंड रेस्टोरेंट में अवैध हुक्का बार और अश्लील डांस का चल रहा था खेल। मॉडर्न कपड़े पहने कस्टमर बनकर पहुंची एसडीओ, फिर चलाया स्टिंग ऑपरेशन। दरअसल जमशेदपुर में एसडीओ पारुल सिंह ने गुरुवार देर शाम पार्डी स्थित होटल रॉयल हिल्स में चल रहे डांस बार में छापेमारी कर 11 बार बालाओं को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि रॉयल हिल्स होटल में डांस बार बेहद छिपकर बनाया गया है। इसके जाने का रास्ता पार्किंग की तरफ से है। एसडीओ अपने 4 कर्मचारियों के साथ डांस बार में घुसी। एसडीओ के हुलिया में नहीं लग रहा था अनुमंडल अधिकारी है। एसडीओ बताती है कि स्टिंग ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए उन्हें इस हुलिया में आना पड़ा। इसी वजह से डांस बार के कर्मचारी समझ नहीं पाए कि वो एसडीओ है। आगे इस वीडियो में देखें कि इस मामले को लेकर एसडीओ ने क्या कहा है। कैसे ये रेड किया? ये रेड हम लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन की तरह किया, जिसमें मैं और मेरे गोपनीय के कुछ स्टाफ थे, जैसे मेरे बॉडीगार्ड है मृत्युंजय और ये दलपति और साथ में नितीश और प्रधान, हम लोग सब मिलके यहाँ पे नॉर्मल कस्टमर्स की तरह आए थे। तो उन लोगों ने हम लोग से एंट्री फीस लिया। उसके बाद फिर हम लोग एंटर किए। एंटर करके हम लोगों ने नॉर्मल ऑर्डर किया। तो यहाँ पे डांस बार चल रहा था, यहाँ पे लड़कियाँ डांस वांस कर रही थी और ड्रिंक्स वगैरह सर्व हो रहे थे और हुक्का वगैरह था। तो उसके बाद जो लड़के थे वो लोग मतलब उन लोगों पे पैसे वैसे फेंक रहे थे, हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत पैसे फेंके। उसके बाद फिर मतलब हम लोग इसको वॉच करते रहे। फिर एक स्टाफ हमारा नीचे गया, उसने थाना को इन्फॉर्म किया। उसके बाद थाना पूरी टीम लेकर आया और उसके बाद फिर हम लोगों ने जैसे ही मतलब टीम ऊपर पहुंची तो शायद नीचे से, क्योंकि ये लोग वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं तो शायद इन लोगों को खबर मिल गई थी, तो इन लोगों ने भागना शुरू किया। लड़कियां नहीं भाग पाई, उनको हम लोग पकड़ पाए। तो 10 लड़कियां पकड़ी गई हैं, एक वेटर पकड़ा गया है और बाउंसर्स जो थे वो हम लोग पकड़ ही नहीं पाए, हमारे हाथ से छूट के भाग गए। आगे भी कुछ 2-3 लोग थे, वो लोग भी भाग निकले। एंट्री फीस कितना था मैडम? नहीं था एंट्री फीस, नहीं था, सिर्फ नाम लिखवा रहा था, सिर्फ नाम लिखवा रहा। कौन सा होटल है ये? एक्चुअली रॉयल हिल डिमना, जिसका पीछे का पोर्शन है जिसमें इन लोगों ने ये डांस बार बना रखा है। सर मैम सामने में एग्जाम भी चलता है? सामने में इनफैक्ट इनका एक रेस्टोरेंट भी है और एक बार भी है जिसमें हम लोग पहले उसी में गए थे और वहाँ पे जाके हम लोग बैठे थे। वहाँ पे हम लोगों ने पूछा था कि डांस वांस होता है क्या, तो उन्होंने बताया नहीं, यहाँ पे कभी कभी वो मेरा सिंगर आता है तब डांस होता है। तो तब तक हमने पीछे अपनी दूसरी टीम को भेजा हुआ था, उसने खबर दिया नहीं यहाँ डांस बार चल रहा है, तो हम लोग फिर वहाँ से इधर आ गए। कहाँ से ये लोग, कहाँ की हैं? कुछ लड़कियाँ जो है वो बंगाल की हैं और कुछ लड़कियाँ, ये एक लड़की नागपुर की है और मुझे लग रहा है मैक्सिमम बंगालीज हैं। जमशेदपुर की नहीं है? जमशेदपुर की ये अभी हम लोग ने एक बार कंफर्म और करना पड़ेगा कि कोई जमशेदपुर की है कि नहीं। मतलब जितने से हमने बात की तो इन लोगों ने कहा कि अभी मतलब ये लोग शायद 1-2 हफ्ते पहले आए थे, उसके पहले दूसरी लड़कियां थी, तो जब लड़कियां पुरानी हो जाती हैं तो ये लोग रिप्लेस कर देते हैं, फिर नई लड़कियां आती हैं। किनका है ये अब ये तो हमें पता करना पड़ेगा, जाँच चल रही है। उसमें हम लोगों ने कुछ पेपर्स वगैरह भी जब्त किए हैं और मतलब बहुत सारी दारू की बोतलें जब्त हुई हैं और कुछ वॉकी टॉकी जब्त हुए हैं और लैपटॉप और उनके फाइल्स वगैरह हम लोगों ने देखी। लड़के लोग नहीं पकाए कौन? कोई लड़के नहीं पकाए? नहीं, लड़के यहाँ पे उस समय जो कस्टमर्स थे वो कस्टमर्स तो भाग ही गए थे, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट के 2-3 जगह हैं तो वहाँ से वो लोग निकल गए थे और बाउंसर्स 2-3 थे, तो बाउंसर्स जो थे उनको हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन मतलब वो लोग हमारे हाथ से छूट गए। और लड़कियां लेकिन मतलब क्योंकि लड़कियों को मतलब हम लोग पकड़ रहे थे तो लड़कियां नहीं भाग पाई। लड़कियां सारी था मैम यहाँ इस बारे में तो अभी जानकारी देखिए जहाँ पे भी अवैध चल रहा है वहाँ पे बिल्कुल हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें लीड्स मिलती हैं वैसे हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो थोड़ा टफ होता है क्योंकि हमारे पहुँचने से पहले उन लोगों को कहीं ना कहीं से खबर मिल जाती है और अब तो और भी टफ हो जाएगा। इसको अभी हम लोग जांच करेंगे, ये तो अभी नहीं पता चल पाया। मैम पैसा जो उड़ाया जा रहा था, हाँ, कितने बरामद हुए पैसे? नहीं देखिए हम लोग ना ज्यादा देर बैठे ही नहीं ताकि मतलब क्योंकि उन्हें ऑलरेडी हम लोग पे थोड़ा सा डाउट होने लगा था, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जब तक हम लोग बैठे थे तब तक मुझे लगता है कि कितना 1,000-1,500 इस टाइप का ही उड़ाया गया होगा, इससे ज्यादा नहीं।